हेलो फ्रेंड्स, सिलास फूडशाला में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ स्वीट पोटैटो बॉम्ब। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, रेगुलर अपडेट के लिए घंटी जरूर दबाएं। मैंने एक बड़ी मोटी स्वीट पोटैटो लिया है, इसे शक्करकंद भी कहते हैं। ये एक पैकेट मैगी है। मैगी को हम बॉयल करेंगे और स्वीट पोटैटो को भी बॉयल करेंगे। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा कि मैं इसे कैसे बना रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। स्वीट पोटैटो को पानी से धो लें, उसके आगे का भाग और पीछे का भाग कट कर लें। पीलर की सहायता से इसके छिलके उतार लें, ये आसानी से छिलके उतर जाते हैं। सारे छिलके मैंने उतार लिए हैं। अब इसके गोल गोल रिंग कट करेंगे। स्वीट पोटैटो अगर खराब है तो आप पीलर की सहायता से इस तरह से उतार लें, और पीछे खराब है तो इससे भी कट कर लें। आपकी स्वीट पोटैटो जहाँ भी गंदी खराब है उसे आप पीलर्स की सहायता से या चाकू की सहायता से इस तरह से कट कर लें। इसके आप गोल गोल पीस करेंगे। इसी तरह से सारे स्वीट पोटैटो के पीस कर लें। इतने मोटे ही कट करें, ज़्यादा मोटे कट ना करें। एक फ्राई पैन या कोई भी कढ़ाई लें, उसमें एक गिलास पानी डालें और पानी को बॉईल होने दें। पानी हमारा उबल चुका है, इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक और इसमें डालेंगे स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो इसलिए उबाल रहे हैं, थोड़े से कड़क रहते हैं, और इसमें साथ में डालेंगे मैगी। आपको मैंने पहले ही बताया था मैं कोई भी चीज वेस्ट नहीं करती, तो मैं इसे गैस भी बचाती हूँ। तो मैंने ये देखिए स्वीट पोटैटो और मैगी एक साथ ही उबाला है, तो इससे हमारे गैस की भी बचत होगी और पानी भी कम लगेगा। बीच बीच में इसे हिला लें, लगभग से इसे 3 से 4 मिनट लगते हैं उबलने में। मैगी जब तक हमारी उबलती है, स्वीट पोटैटो को भी उतनी देर ही उबालना है। मैगी और स्वीट पोटैटो उबल चुके हैं, गैस ऑफ कर दें और इसे एक प्लेट में निकाल लें इस तरह, और ठंडा होने दें। तीन टेबल स्पून मैदा लिया है मैंने, चुटकी भर नमक। मसाले को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें डाल रही हूँ मैगी मसाला एक पैकेट। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका घोल तैयार करेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करें। लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। घोल हमारा तैयार हो चुका है। घोल इतना ही थिक रखें। डिप करें शक्करकंद को, नूडल्स लें और इस तरह से इसे लपेट लें। देखिए एकदम सूतली बॉम्ब जैसे लग रहा है ना। मैगी के टुकड़े ज्यादा ना करें, मैगी को लंबी लंबी ही रखें ताकि ये आसानी से इसमें लपेट ले। आपके अगर मैगी के छोटे टुकड़े हो गए हैं तो इसे थोड़ा सा प्रेस कर लें। गैस ऑन कर लिया है और मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। स्वीट पोटैटो बॉम्ब तेल में जब भी डालें आप तेल को अच्छा सा गर्म कर लें, नहीं तो इसमें जो हमने मैगी ऊपर लगाई है वो खुल जाएगी। एक एक
आपकी कढ़ाई अगर बड़ी है तो आप सब साथ में डाल सकते हैं, नहीं तो दो दो तीन तीन पीस ही डाल लें और इसे बीच में से हिला लें। जगह खाली है तो मैंने सारे स्वीट पोटैटो इसमें डाल दिए। हल्के ब्राउन होने के बाद ही इसे पलटाएं, नहीं तो हमारी जो मैगी है वो खुल जाएगी। इसे हल्का ब्राउन ही रख तले, ज्यादा डार्क ब्राउन ना तले, क्योंकि अगर ज्यादा डार्क ब्राउन हो जाने से मैगी का टेस्ट जो है थोड़ा सा कड़वा आएगा। हल्के ब्राउन हो चुके हैं, इन्हें निकाल लें। देखिए लग रहे हैं ना सुतली बम, और इसे गरम गरम ही सर्व करें। आप अगर चाहें तो कोई गेस्ट आने से पहले आप 2 घंटे पहले इसे लपेट के फ्रिज में रख दें और जब चाहें इसे फ्राई कर लें, और ये आप 2 दिन के लिए भी आप फ्रिज में स्टोर करके तल सकते हैं। एक प्लेट में निकाल लें और इसे सर्व करेंगे। और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए डालेंगे इसपे मैगी मसाला और इसे गरम गरम ही सर्व करें।